समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते सड़कें सूनी आप देख रहे हैं। इसी बीच घरों में रहकर बच्चे, बड़े बुजुर्ग अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। पैंच नेशनल पार्क में कार्यरत सुधीर शर्मा, इनकी पुत्री चहल शर्मा के द्वारा कोरोना को लेकर एक कविता बनाई गई है। ये छठवीं कक्षा की छात्रा हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं चहल शर्मा कोरोना को लेकर क्या कह रही। आओ मिलकर दिए जलाएं, एकता का पर्व मनाएं, कोरोना वायरस को दूर भगाएं। कोरोना वायरस से बचना है कैसे, आओ ये जाने। कोरोना वायरस के संक्रमण को हम पहचाने। सूखी खांसी, सर्दी और बुखार, ये है कोरोना संक्रमण की पहचान। जब ये संक्रमण आपको सताए, शीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। कोरोना वायरस से बचना है कैसे, आओ ये जाने। हम सब मिलकर कोरोना को हराने की ठाने। बिना जरूरी कार्य न घर से बाहर जाना, न बाहर जाकर संक्रमण घर पर लाना। जब बहुत जरूरी हो घर से बाहर जाना, तब चेहरे पर मास्क एवं हाथों में ग्लव्स उपयोग में लाना। बार बार साबुन से हाथों को धोना। चेहरे, आंख, नाक, कान, मुंह को बिल्कुल ना छूना। घर पर सुरक्षित रहकर कोरोना को हराना। सोशल डिस्टेंसिंग का उसको अपनाना। आओ मिलकर दिए जलाएं, एकता का पर्व मनाएं, कोरोना वायरस को दूर।